मैं गुड्डी मलकापुर तेलंगाना हैदराबाद फूल मंडी से बोल रहा हूँ मैं। ये हम लोग का कारोबार 5 साल पुराना कारोबार है हम लोग का, कई सालों से चल देते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं रहने से हम लोग को कुछ व्यापार बराबर हो रहा नहीं, टाइमिंग बहुत कम है। थोड़ा गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील है KCR साहब से कि एक 2-4 घंटे और बढ़ाइए, थोड़ा शादी वगैरह होते और थोड़ा बिजनेस होता, थोड़ा कारोबार होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा। खुश आमदीद मौजूद नासरीन, आप तमाम का एशियन टीवी न्यूज में खैर मकदम है। सुबह सवेरे रिपोर्टर सैयद फेरोज ने गुड्डी मलकापुर के फ्लावर मार्केट में तमाम दुकानदारों से हालात का जायजा लेने के लिए दौरा किया, जहां पर तमाम दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान दिए जाने वाले 4 घंटों का वक्त इन्हें कारोबार के लिए नाकाफी हो रहा है और कारोबार के एन वक्त पुलिस की जानिब से दुकानात बंद करा दिए जा रहे हैं, जिससे इनका काफी ज्यादा माली नुकसान भी हो रहा है और इनका काफी माल भी खराब हो रहा है। वहां के तमाम कारोबारियों ने तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश की है कि लॉकडाउन के औकात में मजीद तौसी की जाए ताकि ये अपना कारोबार करते हुए कुछ का पैसा कमा सके और अपना घर बार चला सके। सुनते हैं मजीद तफसीलात वहां के कारोबारियों की जबानी। पेश है रिपोर्टर सैयद फेरोज की एशियन टीवी न्यूज के लिए ये खास रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। सलामुअलैकुम, मैं गुड्डी मलकापुर तेलंगाना हैदराबाद फूल मंडी से बोल रहा हूँ मैं। ये हम लोग का कारोबार 5 साल पुराना कारोबार है हम लोग का, कई सालों से चल देते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं रहने से हम लोग को कुछ व्यापार बराबर हो रहा नहीं, टाइमिंग बहुत कम है। थोड़ा गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील है KCR साहब से कि एक 2-4 घंटे और बढ़ाइए, थोड़ा शादी वगैरह होते और थोड़ा बिजनेस होता, थोड़ा कारोबार होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा। बेंगलुरु से, चिकबालापुर से माल आए तक हम लोग को टाइम हो जा रहा, वहाँ से कटिंग होकर माल यहाँ पर आ रहा, फिर यहाँ पे माल आए बाद में यहाँ पे बिकराने माल, यहाँ पे पूरा माल फेंकने में जा रहा, पूरा कशाकुंडी में फेंक रहे हम लोग माल, सेल नहीं हो रहा कुछ भी, फिर ऊपर से हम लोग के बच्चों की तनख्वाहें नहीं लिख रहे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। थोड़ा गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा टाइम बढ़ाइए, हम लोग को टाइम दीजिए। रात अब बंद करके गए तक 10 बजे तक पुलिस वाले पकड़ रहे, कहाँ से आ रहे बोल रहे, चालाना मार रहे, प्रॉब्लम दे रहे, पुलिस वाले भी बहुत सारा वो टेंशन कर दे रहे। यहाँ पे कुछ कस्टमर खरीदने आया, पब्लिक को चालान मार रहे, सोशल डिस्टेंस बोल रहे, मास्क नहीं लगाए, बच्चे छोटे काम करने वाले बच्चे, बच्चों को मास्क थोड़ा नीचे उतरा, चालान मार दे रहे मास्क का, बहुत सारा टेंशन हो रहा है। यहाँ पे कारोबार तो कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग को चलाना बोलकर चलाना है मार्केट, मार्केट में पब्लिक आती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत वो कर रहे हैं हम लोग को। थोड़ा गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि थोड़ा टाइम बढ़ाइए हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हकीम बेग है, मैं गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट से बात कर रहा हूँ। 2020 में भी लॉकडाउन आया था, बहुत परेशान हुए, 2021 में भी लॉकडाउन आया, बहुत परेशान है। ये सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग जो हुई उसमें तो ना कुछ काम कर पा रहे हैं ना कुछ हो रहा है, 2-3 घंटे तो माल रेडी करने में चले आ रहे। कारोबार पहले 3-4 हज़ार का होता था, अब तो 200-300 का भी नहीं हो रहा। दुकान पर 4 से 5 जने काम करने वाले हैं, बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये जो टाइमिंग है 10 to 2, 6 to 10, लिहाजा हुकूमत तेलंगाना हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड करे टाइमिंग। पहले सुबह में कारोबार 3-4 हज़ार का अलहमदिल्ला हो जाता था, अब 200-300 का नहीं हो रहा, तो मैं हुकूमत से ये चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा टाइमिंग में एक्सटेंड करे, थोड़ा टाइमिंग एक्सटेंड करे, जैसा कि 6 to 10 है, 6 to 2 या 6 to 2 ऐसा करे तो क्या थोड़ा बहुत कारोबार कर लेते। अब 200-300 में क्या होता, अब 200-300 में बच्चे 3-4 जने काम करने वाले, क्या ले जाएंगे, कैसा होगा, घर चल रहा नहीं, बहुत परेशान है। पहले एक तो सीज़न है, तो सीज़न तो लॉकडाउन की वजह से टोटली ज़ीरो हो गया, एंड सीज़न है ये तेलंगानी शादियों का, तेलुगु सीज़न है, इसमें कुछ नहीं कर पा रहे। लिहाजा हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि थोड़ा टाइमिंग में एक्सटेंड करें, बस यही रिक्वेस्ट है। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद ईजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज अली खान आपके लिए ले आए हैं ईजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स ईजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी, मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में।
घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटीशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करेंगे।